मैं जो रेसिपी अब शेयर करने जा रही हूँ ये है नारियल के पेड़े की रेसिपी। चलें शुरू करते हैं। एक कप मैंने दूध दूध लिया, ये बॉयल दूध है। अगर आपके पास कच्चा दूध है तो पहले आप बॉयल कर लें। इसमें आपने, ये मेरे पास 400 ग्राम नारियल है, ये मैं इसमें दूध में शामिल करूंगी। क्रश किया हुआ नारियल है, तो इसके पेड़े बहुत मज़े के बनते हैं। इसमें 1/4 टीस्पून आपने इलायची का पाउडर शामिल करना है। ये बहुत जल्दी बनते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। देखिए मेवर्स, दूध अच्छा सा इसमें ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें 200 ml कंडेंस मिल्क शामिल करूंगी। ये बस इसे पकाने का जो प्रोसीजर है वो आपने हीट जो है लो से मीडियम ही रखनी है, ज़्यादा हीट मत रखिएगा नहीं तो ये जल जाएगा। देखिए कितना अच्छा मज़े कैसे लग रहा है, जैसे खीर है। शक्ल देखिए इसकी कितनी खूबसूरत लग रही है। देखिए मैं बस फ्राई पैन में अपना छोड़ना शुरू करती है नारियल को। ये देखिए अब इसमें आपने 2 टीस्पून देसी घी शामिल करना है इस मौके पे। देखें भी बस ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हल्का हल्का इसका कलर भी चेंज हो रहा है, ऊपर लाइट कलर, हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर हल्का सा आ रहा है, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए, चलें अब इसे बंद करते हैं और इसे थोड़ा सा इसके ऊपर से हटा के चूल्हे से इसे थोड़ा ठंडा करते हैं। और आपने ये फ्राई पैन में इसे चलाते रहना है, नहीं तो ये हो सकता है थोड़ा सा नीचे से कलर इसका डार्क हो जाए। ये देखिए देखो फ्राई पैन काफ़ी गर्म है। चलिए ठंडा होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बस नारियल और कंडेंस मिल्क का ये जो है मटेरियल ये ठीक हो चुका है। ये देखिए
इस तरह आपने बनाना है। और फिर ये नारियल है, इसमें आपने हल्का सा डिप करना है और ये ऊपर आपने पेड़े की शक्ल इसे देनी है। इसे पेड़ा मैंने इसलिए कहा है नारियल का कि इसमें हमने कंडेंस मिल्क, वो भी खोया ही होता है, तो इसे नारियल का पेड़ा कहते हैं। इस तरह आपने सारे नारियल के पेड़े बना देने हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और देखें चीज़ें भी कितनी कम है और कितनी झटपट बनने वाली रेसिपी है। देखिए आराम से बस हल्का सा इसे नारियल में करें, ये ऐसे उंगली की मदद से, ये देखिए इसकी इस तरह आपने शेप बनानी है। चलो मैं सारे बना के आपको दिखाती हूँ। बस हमारे नारियल के पेड़े तैयार हो चुके हैं। आप लोग भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।